नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर अंडर द एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट टेन सेकेंड इज एस वन एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड इज एस टू और हमें बताना है एस वन एस टू के बीच में रिलेशन क्या होगा ऑप्शन है एस टू इज इगल टू थ्री एस वन एस टू इज ईगल टू फोर एस वन एस वन एस टू बराबर या फिर एस टू इज इगल टू टू एस वन बहुत ही सिंपल सवाल है अपने को कंडीशन दी हुई है कि आपका पार्टिकल है एक कॉन्स्टेंट फोर्स इसके ऊपर यहाँ अप्लाई हो रहा है और पहले 10 सेकेंड में इसने ट्रैवल किया है एस वन दूसरे 10 सेकेंड में आ, मिला के ट्वेंटी सेकेंड में इसने कवर किया एस टू ना अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ़ ए टी स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं एस वन विल बी इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ ए टेन का स्क्वायर दूसरे के लिए एस टू लिखा जा सकता है ज़ीरो प्लस हाफ ए ट्वेंटी का स्क्वायर अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे एस टू डिवाइड बाई एस वन ये इक्वेशन वन है ये क्वेश्चन टू है सेकेंड uh, से हम फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ़ ए ट्वेंटी का स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ़ ए टेन का स्क्वायर ऊपर वैल्यू बन जाएगी हाफ ए हाफ ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर बचेगा फोर हंड्रेड बाई हंड्रेड यानी कि फोर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी विच एम्प्लाइज एस टू इज इक्वल टू फोर एस वन सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी S2 is equal to 4 S1 would be the right answer.